हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी? सब मजे में? मैं राघव चौधरी और आप सभी का स्वागत करता हूँ आप ही के पसंदीदा चैनल कॉमर्स दुनिया में। बच्चे, अब तक के धारावाहिक में हम लोगों ने एनपीओ को एनपीओ के अंदर जो है वो कंज्यूमेबल आइटम तक अंडरस्टैंड कर लिया, और पिछले वीडियो जो मेरा था उसी के ऊपर बेस्ड था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कंज्यूमेबल आइटम्स के ट्रीट किए थे अकाउंटिंग परस्पेक्टिव से। इस वीडियो के अंदर हम लोग फुल फ्लैज क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं, और ये चार पांच क्वेश्चंस होंगे जो ऐसे होंगे कि मान लो कि 90% आपकी पॉसिबिलिटी है कि 90% आपके पेपर में इसी पैटर्न पे आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चे, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एनपीओ के फुल फ्लैज क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करने जा रहे हैं। 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस जो है इस पैटर्न पे बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन नंबर 2019 का अगर बुक कोई बच्चा प्रीफर कर रहा है तो 2019 का क्वेश्चन नंबर 38, अगर 2020 का कोई प्रीफर कर रहा है तो क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है बेटे, देखो ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, देखो स्क्रीन पे आप लोगों को विजिबल होगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बेस पे जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्रॉ करना है 31 मार्च 2020 को। रिसीट्स एंड पेमेंट दे रखा है 31 मार्च 2020 का, और रिसीट्स के अकॉर्डिंग आपके पास ये रिसीट्स हैं, एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फी, डोनेशन, टूर्नामेंट फंड। ठीक है, टूर्नामेंट के लिए डोनेशन, सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी एंड ऑल। उसके बाद आपके पेमेंट दे रखे हैं, ऐसे कुछ पेमेंट है आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारे कुछ रिसीट्स हैं और कुछ पेमेंट है जिसके बेस पे, और हमें इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं गिवन है। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कम से कम 3 से 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको सीखने को मिलेगा, जो नए होंगे। ठीक है, नए पॉइंट्स होंगे जो नए परस्पेक्टिव से बात कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटे, पहले हम रिसीट साइड को कवर करते हैं। देखो हमें ना सबसे पहले दे रखा है बैलेंस बीडी। ये बैलेंस बीडी क्या है कि जो हमारे रिसीट्स में पैसे रह गए थे पिछले साल के, वो है ये। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में जाता है क्योंकि ये कैश का बैलेंस है। उसके बाद एंट्रेंस फी देखो 18, 19 और 19, 20 का दे रखा है 10,000 और 50,000। तो भाई देखो बड़ा सिंपल है यार, जो एंट्रेंस फीस होता है मेरा क्या होता है, वो एंट्रेंस फीस मेरा इनकम होता है। ठीक है, रिवेन्यू रिसीट्स होता है तो इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम में ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन कौन सा? खाली करेंट ईयर का। तो करेंट ईयर का कितना है भाई? टोटल थोड़ा करते हैं हम, कौन सा करते हैं? खाली करेंट ईयर का करते हैं। ध्यान रखिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रुअल बेस पे मेंटेन होता है। सो करेंट ईयर का दे रखा है आपको 60,000। क्लियर है बच्चे? उसके बाद सब्सक्रिप्शन, देखो सब्सक्रिप्शन के अंदर भी हम क्या करते हैं, करेंट ईयर का खाली रिकॉर्ड करते हैं, करेंट ईयर का। और देखो चाहे वो हमें मिला हो या चाहे ना मिला हो, लेकिन करेंट ईयर का जितना भी होता है वो सारा रिकॉर्ड होता है। तो देखो 2018-19 का 10,000, 19-20 का 90% हमें मिला है खाली, 90,000 रुपये, और 2020-21 का जो है वो 5,000 है ना। सो एक पॉइंट यहाँ पे समझने वाला है। तो करेंट ईयर का जो हमें रिसीव हुआ है 90,000 है, और टोटल मिला दोगे तो हमें रिसीव कितना हुआ है 1,05,000, लेकिन हमें क्या चाहिए? खाली करेंट ईयर का। तो 90% बराबर 90,000 है ना बेचे, 90% बराबर कितना? 90%, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 90% कितना आ रहा है, 90% बराबर 90,000 रुपये है ना। और हम मान लो जो सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का होगा 100% बन रहा होगा हमारा, तो 100% के बराबर अगर निकालना है तो 90,000 इंटू में जो हमें निकालना है उससे मल्टीप्लाई और जो पता है उससे डिवाइड करो तो ये कितना आ जाएगा, 1,00,000 रुपये आ जाएगा। कहने का मतलब हमारा करेंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन बनता है वो कितना बनता है, 1,00,000 रुपये बनता है। अब वो नहीं मिला वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर खाली रिकॉर्ड करता है सारे इनकम को, चाहे मिले हो या ना मिले हो। क्लियर है बच्चे? तो यहाँ से फिर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1,00,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फी, देखो एक बार हमें मिलता है किसी मेंबर से लाइफ टाइम मेंबरशिप फी, तो ये हमारे लिए रेवेन्यू रिसीट नहीं होता, ये कैपिटल रिसीट्स होता है और इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। उसके बाद डोनेशन हमें मिला है टूर्नामेंट के लिए। ध्यान रखिएगा जब भी आपको कोई ऐसा मिले जो स्पेसिफाई हो, तो ध्यान रखिएगा स्पेसिफिक फंड वाला, जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग हमने पीछे सीखा है उसी के बेस पे हमें फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा कि डोनेशन जो मिला है 50,000 टूर्नामेंट के लिए, और देखो कहीं आपने खर्च भी किया होगा टूर्नामेंट के लिए। तो देखो दिखा पेमेंट में, देखो पेमेंट में देखो, हाँ सो पेमेंट में मिला टूर्नामेंट एक्सपेंस के लिए हमने 10,000 रुपये खर्च किए, तो ये तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग है और इसकी ट्रीटमेंट हम बैलेंस शीट के अंदर करेंगे।
तो 50,000 का था, 10,000, तो अभी भी 40,000 है। बस देख लेना है हमें कि एक्स्ट्रा खर्च ना किया हो, अगर एक्स्ट्रा होगा तो एक्सपेंडिचर में आएगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी, देखो हमने सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी 15,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन लिया है गवर्नर को पार्टी देने के लिए। अब ऊपर देखो पेमेंट में कहीं हमने खर्च किया है गवर्नर पार्टी के लिए नहीं, तो ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में ट्रांसफरेबल होगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको सीखने को मिलेगा, एक तो मिला आपको सब्सक्रिप्शन में 100% कैसे कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेगा इंटरेस्ट पे। देखो इंटरेस्ट में क्या है कि हमें ना इंटरेस्ट ऑन 8% FD हमें इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट कितना मिला है बेटे, 2,400 रुपये। अब अगर देखोगे पेमेंट साइड, तो हमने क्या किया है, हमने ना 8% वाला FD करवाया। 8% क्या है, ये प्रीफिक्स जब लग के आता है ना, तो ये क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो 8% अगर 1,24,000, 1,20,000 हमने इन्वेस्ट किया, उस पर 1 अक्टूबर से अगर 31 मार्च तक इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना बनता है कैलकुलेट करो, 1,20,000 के ऊपर 8% अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आता है बेटे, 4,800। और 4,800 में से अभी भी हमें नहीं मिला, ठीक है 2,400 मिल गया, तो एक्रूड कितना है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 8% FD अभी भी 2,400 एक्रूड है। इसका मतलब 4,800 हमारा करेंट ईयर का इंटरेस्ट बनता है, इनकम बनता है, ठीक है। देन फर्दर सब्सक्रिप्शन के बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, भाई देखो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर जब हम करते हैं, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो ओल्ड न्यूज़पेपर भाई न्यूज़पेपर को बेच के जो भी पैसा आता है वो हमारा कैपिटल रिवेन्यू होता है, क्योंकि ये कैपिटल गेन जैसा होता है, ठीक है। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, देखो हमने ना 1,200 रुपये का स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का बेच दिया है, ठीक है बच्चे कितने का बेचा, 500 रुपये का, इसका मतलब 700 का हमें नुकसान हो गया। तो जब भी आप कोई एसेट्स बेचेंगे तो ध्यान रखिएगा, एसेट्स बेचने से जो नुकसान या फ़ायदा होता है खाली वही ट्रांसफ़र होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, अदरवाइज नहीं तो कुछ भी ट्रांसफरेबल नहीं होता। तो 1,200 का 500 में बेचोगे तो क्या होगा, आपको लॉस होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स कितने का बेटे, 700 रुपये का। देन लॉकर रेंट, अगर देखो अब हमें ना लॉकर रेंट हमें हमने क्या किया, लॉकर रेंट लॉकर मतलब हमने दे रखा है यूज़ करने के लिए, मान लो अपने मेंबर को, तो बदले में हमें क्या हुआ, 6,800 रुपीज़ मिला है, ठीक है लॉकर रेंट, लॉकर्स रेंट, लॉकर के रेंट से हमें 6,800 मिला है। लेकिन क्या ये पूरा पैसा हमारा करेंट ईयर का है, नहीं सर, इसमें क्या है बच्चे, इंक्लूड है पिछले साल के, सो आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, 600 माइनस कर दो तो 6,200 हो जाएगा जो हमारा करेंट ईयर का होगा खाली। ये तो हो गया इनकम साइड। अब आओ पेमेंट साइड, तो पेमेंट साइड में देखो, पेमेंट साइड में देखो रेंट हमने पेड किया, रेंट हमने जो पेड किया वो कितना था, रेंट हमने पेड किया 60,000। इस 60,000 में देखो बच्चे क्या है, 15,000 इंक्लूड है जो पिछले साल का है, तो ये तो आउटस्टैंडिंग होगा ना, आउटस्टैंडिंग रेंट प्रीवियस ईयर का, तो ये पिछले साल का है इस साल का है, बताओ मुझे ये जो रेंट है ये पिछले साल का है इस साल का है, सब पिछले साल का। तो जब पिछले साल का है तो भाई इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ तो होगी नहीं, तो यहाँ से हम क्या करें, 15,000 को माइनस कर दें 45,000, ठीक है बेटे। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, देखो इंश्योरेंस प्रीमियम हमने कितना पेड किया हुआ है, 60,000, ठीक है। इस 60,000 में से हमने जो स्पोर्ट्स इंश्योरेंस प्रीमियम है 15,000, वो कौन सा पे किया है, जो नेक्स्ट ईयर का है। तो क्या 15,000, क्या 60,000 पूरा पूरा इस साल का है, नहीं, इसमें 15,000 इंक्लूड है जो अगले साल के लिए हमने पे कर दिया, तो इसको क्या कर देना चाहिए, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 हमें माइनस कर देना चाहिए, तो ये कितना आ गया, 45,000। उसके बाद देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अगर खरीदोगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया ना, ये तो बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। उसके बाद फर्नीचर हमने परचेज किया है, वो भी 31 मार्च 2020 को, ये भी बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। 8% FD हमने इसका ट्रीटमेंट कर दिया है, 1,20,000 बैलेंस शीट में जाएगा, और साथ में एक्रूड इंटरेस्ट जो है यहाँ से 2,400 रुपये ऐड हो जाएगा उसमें। उसका टूर्नामेंट का हम कर चुके हैं बैलेंस शीट में।
और बुक, बुक हम जब खरीदते हैं तो ये क्या कहलाता है बच्चे, ये भी एक कैपिटल पेमेंट है, तो ये बैलेंस शीट के एसेट में। न्यूज़पेपर, हाँ न्यूज़पेपर, सो न्यूज़पेपर पे जो हमने खर्च किया है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कितना बेटे 1000। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे हमने जो खर्च किया है वो हमारा रेवेन्यू है, कितना 19000। और जो बैलेंस सीडी है, बचा हुआ पैसा, ये आपका क्या बता रहा है, बचा हुआ पैसा ये बता रहा है कि हमारे पास कितने पैसे कैश में बच गए हैं, तो ये बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के। ठीक है बेटे, अब देखो हमारे पास इतनी आमदनी, मतलब हमारे पास इतने पैसे आए और हमारे पास इतने पैसे गए। अब इतने आए और इतने गए, अगर हम इन दोनों का एडजस्टमेंट करें, अगर आए ज़्यादा और गए कम, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पैसा हमारे पास बच गए। और अगर हमारे पास से ये गए ज़्यादा और आए हैं कम, इसका मतलब हमारे पास पैसों की कमी हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगा, डिफिशियंसी आ जाएगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना हमारे पास आया है ज़्यादा या गया है ज़्यादा। ठीक है, सो कैलकुलेट करो जल्दी से बच्चे। ठीक है बेटे, सो जब आप इनकम साइड का टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका टोटल कितना, सो 2 लाख, 2,81,300 रुपये। तो ये भी 2,81,300 आना चाहिए, हाँ या ना। अब देखो इसमें से हमने इतने पैसे खर्च कर दिए, इतने पैसे खर्च कर दिए, तो ये जो खर्च किए वो आ रहा है 1,10,000। ठीक है, 2,81,300 में से अगर हमने 1,10,700 अगर हमने खर्च कर दिया, तो उसके बाद जो हमारे पास बचेगा वो कितना पैसा बच जाएगा सरप्लस में, मतलब जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास कितना बच जाता है बेटे, तो एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास यहाँ से बच जाता है 1,70,600 रुपये। ठीक है, 1,70,600 रुपये। ठीक है, सो ये हमारा क्या है, बैलेंसिंग फिगर, BF मतलब बैलेंसिंग फिगर। ठीक है बेटे, सो समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ से हम। ठीक है बेटे, सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक दूसरे क्वेश्चन को, जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो NPO के परस्पेक्टिव से, सो 2020 एडिशन 2020 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 48, और अगर 2019 से कोई बच्चा रेफर कर रहा है तो क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है बेटे, क्या कहते हैं एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। देखो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आया होगा, देखो क्या कहते हैं, फ्रॉम दी फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सोशल क्लब एंड द इंफॉर्मेशन सप्लाइड। ठीक है, प्रिपेयर करना है क्या बेटे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, वो भी साल के आखिरी का, 31 मार्च 2020 का, और साथ में बैलेंस शीट हमें तैयार करना है। ठीक है, ऑन दैट डेट, सो हमें दे क्या रखा है, रिसीट्स एंड पेमेंट। ये रिसीट्स एंड पेमेंट क्या बता रहा है कि मेरे को ना पूरे साल भर में इतने पैसे रिसीव हुए हैं, टोटल पैसा 60,000 रुपये आया है, और टोटल हमारे पास से जो पैसा गया है वो 60,000 रुपये गया है। ठीक है, सो ये रिसीट्स है और ये पेमेंट है, जिसमें से 7,000 हमारे पास ओपनिंग में ऑलरेडी था, और हमारे पास अभी आखिरी में, इस साल के आखिरी में जो है वो बैलेंस में 4,000 रुपये बाकी है। उसके बाद फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, जिसके अंदर आपको सब्सक्रिप्शन गिवन है 18, 19, 19, 20 और 20, 21 का, हायर ऑफ ग्राउंड, इंटरटेनमेंट, सेल न्यूज़पेपर, सैलरीज, एक्सपेंस। ठीक है, सो इसको ऊपर से आप ओवरव्यू कर सकते हो, और उसके बाद सो क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट कीजिएगा जब सारे क्वेश्चन कम्प्लीटली पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद हमें चार एडजस्टमेंट गिवन है, जिसमें 50 मेंबर हैं, और हर एक मेंबर कितना पे करता है, 500 रुपये देता है साल का, और सब्सक्रिप्शन बकाया जो था पिछले साल 31 मार्च 2019, ये क्या था, 31 मार्च 2019 जो है वो पिछले साल के आखिरी रेट, मतलब प्रीवियस ईयर क्लोजिंग एंड एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, तब हमारे पास कितना था, 6,000 रुपये। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसी मतलब इसी पैटर्न पे कई बार भी पेपर में दिख जाता है क्वेश्चन। सो पिछले साल के आखिरी दिन बकाया जो था आउटस्टैंडिंग वो कितना था, सब्सक्रिप्शन 6,000। और देखो ध्यान से इधर, पिछले साल बकाया था आखिरी दिन 6,000 रुपये, और मिला कितना है, 5,000। इसका मतलब अगर आज हम देखें तो आज का डेट क्या है, 31 मार्च 2020, इस दिन भी अगर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है कि 6,000 पेंडिंग था, 5,000 मिल गया रिसीट में, मतलब रिसीव हो गया। तो इसका मतलब पिछले साल का 1,000 रुपये अभी भी बाकी है। ठीक है, अभी भी बाकी है, और आगे देखो 31 मार्च 2020 सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, ये तो ईजी है, हो जाएगा। ठीक है, जिसमें इंक्लूड है 6,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, एंड देन फर्दर 1 अप्रैल 2019 क्लब कहता है, वो करता है बिल्डिंग को, जिसकी वैल्यू 2 लाख
फर्नीचर 20,000, बुक जो है वो 20,000 का है, प्रोवाइड करना है डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से। ठीक है बेटे, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और किस तरीके से इसको हम शॉर्ट करेंगे, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं आगे। ठीक है बेटे, तो देखो सबसे पहले हम जो है एडजस्टमेंट को ट्रीट करेंगे, उसके बाद जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में चीज़ें गिवन है उसको हम बाद में ट्रीट करते हैं। ठीक है, सो एडजस्टमेंट को पहले हम लोग कवर करते हैं। तो अगर नॉर्मली बच्चों का होता क्या है कि आखिरी में जाकर के जो है वो कहीं ना कहीं क्लोजिंग बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो मैच नहीं हो पाते हैं। मैच ना होने के पीछे रीज़न क्या होता है, बच्चों के दो तीन कॉमन मिस्टेक्स होते हैं। मिस्टेक क्या होता है कि पहले वो अंदर के आइटम्स को ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं। ऐसे मत करो, आप सिक्वेंस से करो। सबसे पहले आप एडजस्टमेंट को ट्रीट कर लो। और दूसरी गलती क्या होती है बच्चों की कि वो कहीं से भी शुरू हो जाते हैं, तो कहीं से भी शुरू मत होइएगा। जब आप करते हैं तो एक एडजस्टमेंट को ट्रीट करें पहले। और ज़्यादातर कॉमन मिस्टेक उन बच्चों से ज़्यादातर देखने को मिलता है, या 90% गलती की पॉसिबिलिटी तब बढ़ जाती है जब आप अलग अलग अकाउंट्स को, अलग अलग लेजर को अलग अलग तरीके से मेंटेन करते हैं। मतलब एक साथ अगर आप मेंटेन करेंगे लेजर को तो गलती होने की जो 90% पॉसिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप बनाएंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, तीनों लेजर जो है, तीनों के तीनों अकाउंट जो है वो साइमल्टेनियसली मेंटेन कीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो देखो 50 मेंबर थे और हर कोई 500 रुपये देता है, तो मेरा साल में सब्सक्रिप्शन बनता कितना है? तो अगर यही तो मेरे को लिखना होता है बाय सब्सक्रिप्शन की बनता कितना है, तो भाई देखो मेरा सब्सक्रिप्शन बनता कितना है, तो बाय सब्सक्रिप्शन क्या 50 मेंबर हैं, 50 मेंबर हैं और हर कोई 500 रुपये देगा, हर कोई 500 रुपये देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा टोटल जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना बनता है बेटे, तो 25 25 मतलब 2.5 लाख रुपये। ठीक है, सॉरी 30 और लगा दो, सो 25,000 रुपये। क्लियर है सबको? और देखो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को जब आप चेक करोगे तो वहाँ पे देखो ओपनिंग में आपके पास जो बकाया था, ठीक है, सो थोड़ा सा ये हो सकता है पॉसिबल, मतलब टफ हो जाएगा मेरे लिए प्रेजेंट करना, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखा पाऊँ कि देखो जो पिछले साल है, पिछले साल के आखिरी दिन बकाया देखोगे तो कितना मिल रहा है। देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था बेटे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखो कितना था एडजस्टमेंट में, क्वेश्चन ने खुद बोला है कि 6,000 बकाया था पिछले साल के आखिरी दिन। उसके बाद आप रिसीट में चेक करो, रिसीट में दिख रहा है कि सब्सक्रिप्शन जो है 2018-19 का 5,000 मिला, इसका मतलब 1,000 अभी भी बकाया है। 2019-20 का 20,000 मिला, इसका मतलब देखो आप कंपैरिजन करो, आपको मिलना चाहिए 25,000 और मिला कितना है 20,000। ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि भाई 5,000 अभी भी मेरे बकाए हैं, मतलब करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अभी भी 5,000 रुपये है और 1,000 पिछले साल का बकाया। टोटल मिलाओगे तो कितना होता है बकाया, 6,000। उसके बाद देखो 2020-21 ये तो हमारा नेक्स्ट ईयर है, उसके लिए हमें 4,000 मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि भाई अगले साल के लिए अगर मुझे अभी मिल रहा है पैसा तो ये एडवांस हो गया और ये मेरे लिए क्या होता है, लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है बच्चे? तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहा हूँ। ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट ये रहा, सो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता हूँ, लिखता हूँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018-19 और 2019-20 कितना बेटे, तो 1,000 पिछले साल का और 5,000 इस साल का, कुल मिलाकर के 6,000 आउटस्टैंडिंग हुआ। ठीक है, और उसके बाद 4,000 जो हमें एडवांस मिल गया, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो हमें मिला है कितना, एडवांस में 4,000, ये हमें क्या मिला है अगले साल के लिए, इसी साल मिल गया तो लाइबिलिटी बन गया हमारा, क्लोजिंग डेट का है। तो उसके बाद पहला कंप्लीट, उसके बाद देखो 31 मार्च 2020, ये तो हमारा आखिरी दिन है करंट ईयर का। सैलरीज आउटस्टैंडिंग अमाउंट 2,000 एंड सैलरी पेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, जिसमें इंक्लूड है 6,000, ये तो पिछले साल वाला। तो इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे हम, और देखो एक्सपेंडिचर में क्या लिखे, सैलरी, और देखो सैलरी हमने पेमेंट साइड, देखो पेमेंट में हमने सैलरीज पे किया जिसमें कितना पेमेंट किया है 28,000। क्या ये टोटल पेमेंट हमने करेंट ईयर का किया है, सैलरी जो हमने पे किया है पूरा करेंट ईयर का है? बिल्कुल नहीं। तो क्या है ये, तो इसके अंदर हमने जो पेमेंट किया है जिसमें करेंट ईयर का अभी भी बकाया है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम क्या कर दें, करेंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड 2,000, तो ये हो गया 30,000। और हमने इसमें से माइनस कर देना है कौन सा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
जो हमने पेड किया है, पेड इन करेंट ईयर फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल का जो हमने पेड किया है कितना, 6,000, ये माइनस कर दो। तो इसका मतलब पिछले साल के आखिरी दिन 6,000 बकाया था, तो ये कितना हो गया, 24,000। और इस साल के आखिरी दिन देखोगे बकाया सैलरीज जो करेंट ईयर का है वो कितना है बेटे, 2,000। तो ये तो लाइबिलिटी हो गई ना हमारे लिए। और पिछले साल का अगर 6,000 हम पे कर रहे हैं तो ये तो बकाया हो गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाइए और लिखिए, ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाइए और लिखिए क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। दिख रहा है आप लोगों को? सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को दिखा पाऊँ, थोड़ा सा मेरे लिए टफ हो रहा है मैनेज करना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं कि ऑन 1 अप्रैल 2019 द क्लब ओ बिल्डिंग, 1 अप्रैल 2019 को जो क्लब है वो क्या करता है बेटे, 1 अप्रैल 2019 को क्लब करता है बिल्डिंग को खरीदता है ओपनिंग डेट पे। 1 अप्रैल 2019 को हम बना रहे हैं, तो हमारे पास 2 लाख का हमने एक बिल्डिंग खरीदा, फिर क्या बोल रहे हैं, हमने फर्नीचर भी खरीदा ओपनिंग डेट पे, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में। फिर हमने बुक भी खरीदा है कितने के बच्चे, 20,000 रुपये का। आगे क्या बोलता है, प्रोवाइड करो डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे हमें 10% का डब लगाना है तो लगा दो, या फर्नीचर पे। सो यहाँ पे लगाऊंगा मैं डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर पे डब कितना आएगा बेटे, और तो कोई है नहीं डब जिस पे लगाना हो, तो 20,000 का फर्नीचर था और 10% का डब लगाओगे तो कितना आ जाएगा बताओ मेरे, कितना आएगा बेटे जी? बहुत बढ़िया, शाबाश, आप लोग कह रहे हैं सर 2,000। उसके बाद आगे देखो, हमें हमारे पास अगर अब देखो सारे एडजस्टमेंट हो गया, अब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आओ, तो रिसीट में देखो, रिसीट के अंदर आपको मिलेगा सबसे पहले बैलेंस बीडी। ये क्या है ये रिसीट में, तो जो हमारा पैसा पिछले साल के आखिरी दिन बच गया था वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास जो पैसे बच गए थे कैश इन हैंड, ठीक है, तो वो कैश है 7,000 रुपये जो हमें कैश अकाउंट से मिला होगा, ठीक है, क्योंकि मैं पीछे भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैश अकाउंट और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डिफरेंस होता है, वो डेली बेसिस बनाया जाता है और ये ईयर के एंड में बनाया जाता है, ठीक है, उसी का जो आखिरी फिगर होता है वो यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है रिसीट एंड पेमेंट में। उसके बाद सब्सक्रिप्शन देखो, सब्सक्रिप्शन का 18-19 का हम कर चुके हैं, 19-20 का भी कर चुके हैं और 20-21 का भी हम कर दिए। उसके बाद हायर ऑफ ग्राउंड, ये तो इनकम है मेरी बाय हायर ऑफ ग्राउंड। देखो आप चाहो तो बाय और टू लिख सकते हो और ना चाहो तो भी चलेगा, ठीक है, सो 14,000। उसके बाद सरप्लस हुआ है बाय सरप्लस फ्रॉम इंटरटेनमेंट इवेंट, ठीक है, कितना, 8,000 रुपये। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना बचे, 2,000। सो करने का पैटर्न समझा रहा हूँ बस देखो, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपको ही करना है। उसके बाद सैलरीज आ गया, सैलरीज हम कर चुके हैं, जर्नल एक्सपेंस ये मेरा खर्च है, जर्नल एक्सपेंस कितना, 6,000। देन फर्दर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है बच्चे, 4,000। देन बुक, अब देखो बुक हमने खरीदा है तो बुक जो खरीदते हैं ये हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सर कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि बुक तो हम बार बार खरीदते नहीं। हमारे पास देखो ऑलरेडी 20,000 का बुक था और हमने फिर मैंने ऑलरेडी मेरे पास बुक था, ये मेरा क्लोजिंग है तो मेरे पास पहले से बुक था, कितने का बुक था, 20,000 का, और फिर मैंने परचेज भी किया है ना, बुक परचेज किया कितने का बेटे, 10,000 का, तो टोटल स्टॉक मेरे पास अब बुक का कितना हो गया, 30,000 रुपये का। आगे कहता है न्यूज़पेपर हमने खरीदा, ये तो हमारा खर्च है, सो ये न्यूज़पेपर बाय न्यूज़पेपर, देखो अगर आप तरीके से करोगे ये खर्च है, सॉरी न्यूज़पेपर, अगर आप तरीके से करोगे तो गलती की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। बच्चे जो ज़्यादा इधर उधर करके करते हैं उनकी गलतियाँ होती हैं, क्योंकि एक ना एक आइटम अगर आप मिस कर दोगे तो गलत होगा ही होगा, ठीक है, सो इधर उधर मत करना, नॉर्मल पैटर्न से करो, आसानी से हो जाता है क्वेश्चन। और उसके बाद हमारे पास कैश में पैसा है कितना बचा हुआ आखिरी दिन, 4,000 रुपये,
ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड। अब इसका टोटल करते हैं और निकालते हैं सरप्लस आता है या डेफिसिट। अगर हमारा इनकम ज़्यादा है और हमने खर्च किए हैं कम तो हमारे पास सरप्लस, और अगर हमारे खर्च है ज़्यादा और आमदनी हुई है कम तो डेफिसिट। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो बेटे। ठीक है बेटे, सो यहाँ से अगर हम इनका टोटल करें तो 49,000 आता है। यहाँ से अगर हम टोटल करें तो कितना आ रहा है बच्चे, 49,000। और उसके बाद अगर हम देखो, अगर डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो ये कितना आता है, ये कितना आता है 44,000। तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में आता है, हमारे पास 5,000 रुपये रह जाते हैं सरप्लस में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रहता है ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट अगर हम करें तो ओपनिंग बैलेंस शीट का अगर देखोगे टोटल 2,40,000 प्लस 6,046 और 7,53, 2,53,000, 2,53,000। इसमें से अगर हम माइनस करें 6,000 तो कितना आ जाता है, 2,47,000, यही आएगा ना, 2,47,000। ये क्या आ जाएगा बच्चे, कैपिटल फंड। ये क्या आ गया, कैपिटल फंड, जो हमें चाहिए होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट को बनाने के लिए। अब जब ये आ गया तो हम अब ले चलते हैं इसको ओपनिंग बैलेंस शीट के बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो बना चुके होंगे, तो जब साथ ही बनाया हमने, ठीक है, सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लोज होगा, फिर वहाँ से सरप्लस हम ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे, और कैपिटल फंड में जा करके कैपिटल फंड हमारे पास जो लेके आए हम ओपनिंग से, कितना, 2,47,000। इसमें हम प्लस कर दें क्या, सरप्लस, और अगर डेफिसिट आता तो माइनस। कितना भाई, तो सरप्लस था 5,000, तो ये आ गया 2,53,000, नहीं 2,52,000। अब यहाँ से ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये ऐड करेंगे तो 2,58,000, और ये भी कितना आना चाहिए, 2,58,000। ठीक है बेटे, सो ये था पूरा का पूरा आपका ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 एज पर दी एडिशन ऑफ 2020। ठीक है बेटे, सो इसमें इतना ही, और हम अगले वीडियो में इसी का जो है सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसके अंदर और दो बहुत इंपॉर्टेंट एनपीओ के दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।